सो गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज़ योर केमिस्ट्री वाले सर अभिषेक सर, और आज हम अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर इस यूनिट का लास्ट आर्टिकल सीखेंगे, जो कि है ईथर। इन द प्रीवियस आर्टिकल, इन द प्रीवियस लेक्चर्स, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द नॉमनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, the physical properties, the chemical properties of alcohol and phenol, जिसमें कुछ important properties हमने सीखी थी, जैसे हमने Kolbe's reaction को सीखा, हमने RTR, Reimer-Tymon reaction को सीखा था, हमने halogenation को अच्छे से पढ़ा था, picric acid कैसे बनाई जा सकती है उसके बारे में हमने बात की थी, esterification की reaction, aspirin की preparation, ये सारी हमने पीछे कर ली थी। दो मैकेनिज्म भी हमने सीखे थे, एक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल और एक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, तो वो हम सब कवर अप कर चुके हैं। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट आर्टिकल ऑफ दिस यूनिट एंड दैट इज योर ईथर्स। तो ईथर को प्रिपेयर करने के लिए मुझे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की भी हेल्प लेनी पड़ सकती है, पर फर्क क्या है ध्यान से देखना बेटा। दोनों में ही H2SO4 लिया जा रहा था, लेकिन अगर टेम्परेचर 443 केल्विन हो जाएगा तो मुझे एल्कीन मिलेगा, और टेम्परेचर अगर 413 केल्विन रहेगा तो मुझे ईथर मिल जाएगा। अब अगर मुझे इसका मैकेनिज्म सीखना है, क्योंकि केवल तीन मैकेनिज्म ही आपके सिलेबस में हैं, इस चैप्टर के अंदर केवल तीन मैकेनिज्म हैं जो आपके सिलेबस का हिस्सा हैं, तो अगर हम तीसरे मैकेनिज्म को सीखें तो बहुत आसान मैकेनिज्म है। पहली स्टेप तो बिल्कुल इजी है, सेम स्टेप है जिसमें आप प्रोटोनेशन कर रहे हो, CH3CH2O लोन पेयर H, आपके पास H पॉजिटिव एसिडिक आयन आई, आपने इसको लिया यहां से और आपने बना दिया क्या CH3CH2O H, और यहां पर भी H लेना पड़ेगा मुझे, और ये आ गया मेरा पॉजिटिव चार्ज। इस तरीके से लिख सकता हूं मैं थोड़ा सा, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये होगा भाई कि एक और अल्कोहल आएगा जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, ये वाला बॉन्ड इस ऑक्सीजन के पास जाएगा और ये इस पे अटैक कर देगा, और इससे क्या मिलेगा मुझे, इससे मुझे मिलेगा CH3CH2O H एज इट इज CH2CH3, ये पॉजिटिव चार्ज। अब ये H पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और अल्टीमेटली आई विल गेट माई ईथर बैक, राइट। तो यहाँ से मेरे को ईथर बहुत आसानी से मिल सकता है। इस मैकेनिज्म को एक बार फिर से देखो, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन पेपर में पूछा जाता है। दिस इज द वे हाउ यू कैन प्रिपेयर ईथर, ठीक है। द मेथड इज सूटेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ ईथर हैविंग प्राइमरी अल्काइल ग्रुप, प्राइमरी अल्काइल ग्रुप होगा तो आसानी से बन जाता है, लेकिन अगर आपके पास सेकेंडरी और टर्शरी है तो आपको बनाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाएगी। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर का रिमूवल तो कर देगा, वो डबल बॉन्ड जनरेट कर देगा, एल्कीन बन जाएगी आसानी से, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, एलिमिनेशन। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इससे बचने के लिए हमें विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन करनी पड़ती है। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन को हम सीखते हैं, जो मेरी वन ऑफ द फेवरेट रिएक्शंस में से एक है, क्योंकि बहुत आसान सी रिएक्शन है। RX प्लस रोना इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर गिव्स ROR प्लस NaX, ये रहा आपका ईथर। अगर मैं R- कर देता हूँ तो यहाँ भी R-, दिस इज अ सिंपलेस्ट रिएक्शन। ईथर बहुत आसानी से हमें मिल जाएगा, लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पर ये जो रिएक्शन होती है, दिस विल फॉलो SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म का कंसेप्ट क्या है, 1 डिग्री फास्ट, 2 डिग्री स्लो, 3 डिग्री सबसे स्लो, 3 डिग्री तो होगी भी नहीं, एलिमिनेशन चला जाएगा। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री का कॉन्सेप्ट। जैसे मैंने इस एग्जाम्पल को देखता हूँ यार, अगर मैं इस एग्जाम्पल को देखूँ तो इस एग्जाम्पल के अंदर मैंने क्या ले लिया, मैंने ये एक फिनोक्साइड आयन, मतलब इथॉक्साइड आयन ले ली है। इथॉक्साइड आयन को मैंने CH3Br से ट्रीट करवा दिया, और CH3Br से ट्रीट करवाने के बाद CH3Br से जब मैं इसको ट्रीट करवा दूंगा तो उससे मुझे क्या मिलेगा बेटा, उससे मुझे मिलेगा, आ जाओ हम इसको ओपन अप कर लेते हैं अभी, ठीक है। ये लो जी, इसको अगर मैं ट्रीट करवा दूंगा तो उससे मेरे को मिल जाएगा ईथर, ईथर फॉर्मेशन विल टेक प्लेस। बस ध्यान क्या रखना है, इट विल फॉलो SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म क्या कहता है
कि जो मेरा रिएक्टेंट है, जो मेरा रिएक्टेंट है, वो रिएक्टेंट मेरा 1 डिग्री अगर होगा तो रिएक्शन अच्छे से हो जाएगी, और अगर वो 2 डिग्री या 3 डिग्री हो जाता है तो जो मेरी रिएक्शन है वो कमज़ोर हो जाएगी। तो ध्यान से देखो, ये मेरा रिएक्टेंट है बेटा, ये ठीक है, ये तो मेरा रिएजेंट है, ये मेरा रिएक्टेंट है, तो मेरी रिएक्शन आसानी से पॉसिबल हो पाएगी। और अगर मेरा रिएक्टेंट ये रहा, इस रिएक्टेंट को मैंने 3 डिग्री कर दिया, तो मेरे पास एलिमिनेशन हो जाएगा। एलिमिनेशन का मतलब क्या हो गया? डबल बॉन्ड फॉर्मेशन। दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करोगे, जो कंसेप्ट मैंने अभी समझाया है उसके बेस पर, कि अगर मुझे ये कंपाउंड बनाना है, ये ईथर बनाना है, तो मैं ये इथॉक्साइड आयन और ये रिएक्टेंट लूँ, या फिर ये इथॉक्साइड आयन और ये रिएक्टेंट लूँ, इसे आपको देखना है। अब कंसेप्ट क्या कहता है, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो कर रही है चीज़ें, और अगर SN2 मैकेनिज्म को चीज़ें फॉलो कर रही हैं तो मेरा जो रिएक्टेंट है, यानी कि जो मेरी कार्बोकैटायन बनने वाली है, वो मेरी 1 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो मुझे जो कार्बोकैटायन बनानी है वो 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनानी है, इसका ध्यान रहे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, फिनोल से भी हम ईथर बना सकते हैं। आसान है यार बेटा, ONA फिनोक्साइड आयन तो बना ही रहे थे, RX से और ट्रीट करवा दो, ईथर बन जाएगा। नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर हम बात करें, तो जो बॉइलिंग पॉइंट है ईथर का, वो एल्केन से तो बहुत ज़्यादा होता है और एल्कोहल से कम होता है, इन बिटवीन इंटरमीडिएट रहता है, ठीक है। और अगर हम बात करें इथॉक्सी इथेन और ब्यूटेन वन ओल की, तो ये लगभग बराबर अमाउंट में मिसिबल होते हैं, बराबर से मिसिबल होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंपैरेटिवली माइन्यूट सी आपकी एल्कोहल्स में ज़्यादा होती है, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट ईथर के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। अब अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, तो केमिकल रिएक्शन में CO बॉन्ड को हमको क्लीव करना है। ये रिएक्शन हम सीख चुके हैं पीछे, क्या था, CH3O CH3, इसकी रिएक्शन करवा दी HX के साथ, तो होगा क्या, एक तो आपको मिल जाएगा CH3OH और एक आपको मिल जाएगा CH3X, हाया ना, यानी कि RX मिलेगा और ROH मिल जाएगा, एक एल्कोहल मिलेगा और आपको एक एल्काइल हैलाइड मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आप यही काम कर देते हो किसी फिनाइल ईथर के साथ, एल्काइल एराइल ईथर के साथ, जैसे वो ले लो यहाँ पे, और आसान बना देते हैं यार इसको थोड़ा सा, तो आपको एक तो एल्कोहल मिल जाएगा फिनोल और एक CH3X मिल जाएगा। अब पॉइंट क्या आता है, पॉइंट यहाँ पर आता है कि कौन सा बॉन्ड क्लीव होके क्या मिलेगा, कौन सा बॉन्ड क्लीव होके क्या मिलेगा, इस कंसेप्ट को हमें अब समझना है। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, कि क्या चीज़ क्लीव होगी और हमें क्या मिलेगा। ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं बात करूं इस पूरे आर्टिकल की, तो मैं पहले इसको कंप्लीट रीड आउट कर देता हूं आपके लिए और फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। ईथर्स आर द लीस्ट रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप, बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर टेक प्लेस अंडर ड्रास्टिक कंडीशन, मुश्किल से टूटता है, ठीक है, अगर हम हाइड्रोजन हैलाइड को एक्सेस में भी डाल देंगे। तो डाई एल्काइल ईथर गिव 2 एल्काइल हैलाइड्स, आसानी से 2 एल्काइल हैलाइड दे देंगे। एल्काइल एराइल ईथर आर क्लीव एट एल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड से, ड्यू टू द मोर स्टेबल ऑफ अराइल ऑक्सीजन बॉन्ड, ये ज़्यादा स्टेबल बॉन्ड है, द रिएक्शन यील्ड फिनोल, रिएक्शन को क्या मिलेगा, फिनोल मिल जाएगा और RX मिलेगा। यानी कि अगर मेरे पास एनिसोल है, इसको एनिसोल बोलते हैं, एनिसोल है, अगर मैं इसको क्लीव करूंगा तो मुझे यहां मिलेगा फिनोल प्लस CH3Cl, अगर हमने CH3Cl मतलब HX की जगह HCl ले रखा है। तो अब देखो, ईथर विथ 2 डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स, अगर मेरे पास 2 अलग अलग एल्काइल ग्रुप्स हैं, तो क्लीव इन द सेम मैनर, वो दोनों सेम मैनर में क्लीव होके मुझे RX और R-OH दे देंगे, R-OH और RX मुझे मिल जाएगा। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या रहेगी बेटा, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ये रहेगी कि HI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, HBr उससे कम, HCl उससे कम, और HF तो हम बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अलग कंसेप्ट में चला जाता है।
अब देखो ध्यान से कि कंसेप्ट यहां तक हमने सीख लिया, 1 डिग्री 2 डिग्री के लिए ओके थी ये चीज, लेकिन जैसे ही 3 डिग्री आएगा, जैसे ही 3 डिग्री आएगा तो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड बनेगा और दूसरा वाला बनेगा एल्कोहल। अब तक क्या कह रहे थे हम, अब तक हम कह रहे थे जो 2 डिग्री होगा वो एल्कोहल बनेगा और जो 1 डिग्री होगा वो हैलाइड बनेगा, लेकिन जैसे ही 3 डिग्री आ जाएगा 3 डिग्री क्या बन जाएगा, हैलाइड बनेगा और जो दूसरा बच गया 1 डिग्री या 2 डिग्री उसके कंपैरेटिवली वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा बेटा अल्कोहल। ये चीज़ ज़रूर ज़रूर ध्यान रखनी है, ये चीज़ इसलिए ध्यान रखनी है क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बनता है 3 डिग्री कार्बोकैटायन वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है और वो SN2 की जगह पर SN1 मैकेनिज्म शो कर देता है, इस वजह से हमारे पास ये कंसेप्ट आता है। अब अगर मैं क्वेश्चन पे आ जाता हूँ तो समझाना मेरे लिए थोड़ा सा और आसान हो जाएगा, इन 3 क्वेश्चन से ही हम चीज़ें समझ लेंगे। तो सोल्यूशन है, ऊपर क्वेश्चन है, मेरे पास CH2CH3 है, यहाँ पर ये ग्रुप है। अब मेरी जो क्लीवेज होगी वो ऐसी होगी कि मैं इसको तोड़ूंगा, यहाँ पे हाइड्रोजन दे दूंगा और यहाँ पे मेरा हेलोजन एक्स आ जाएगा। दैट सेड व्हाट, कि अगर मेरे को रिएक्शन HI से करवानी है तो X की जगह क्या हो जाएगा, I। इसका मतलब CH2CH3I बनना चाहिए, CH2CH3I, और ये अल्कोहल बनेगा CH3CH2CH3CH2OH, CH3CH2CH3CH2OH। लॉजिक क्लियर? अब आते हैं हम अगली चीज़ पे, इसको मैं मिटा देता हूँ वापस से, ठीक है। अब आओ तुम अगली चीज़ पे, अगली चीज़ क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन ये कहता है कि भैया तुम्हारे पास ये एक ईथर है, अब ईथर को चेक करो यार, ये जो पोर्शन है ये 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, इसका मतलब क्या होगा कि इसका तो मेरे को हैलाइड मिलेगा और इसका क्या मिलेगा, मेरे को अल्कोहल मिलेगा। दैट सेड व्हाट, कि ये मेरा आई में कन्वर्ट होगा और ये मेरा OH में कन्वर्ट होगा, ये अपोजिट चलते हैं, ध्यान रखना अपोजिट चलते हैं, अपोजिट चलेंगे। तीसरा केस तो और भी आसान है। तीसरा केस क्या कहता है, मेरे पास CH2OH है, इधर भी एक बेंजीन की रिंग, इधर भी एक बेंजीन की रिंग, ओके, मुझे कुछ नहीं करना यार, मुझे सिंपल सा काम करना है, फिनोल ले लेता हूँ मैं, तो CH2I मिल जाएगा और यहाँ से मेरे को क्या मिल जाएगा बेटा, बहुत आसानी से फिनोल मिल जाएगा। वरना क्या आ सकता था, वरना ये भी तो आ सकता था CH2OH, राइट, ये ना मिलके मेरे को क्या मिलेगा, OH और CH2I, क्योंकि जो फिनोल है उसकी फिनोक्साइड जब बनेगी तो उसका रेजोनेंस काफ़ी अच्छा होता है एज कंपेयर टू बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल के अंदर अगर एच पॉजिटिव आयन निकल जाएंगे तो उनका अच्छे से रेजोनेंस नहीं हो पाता है। अब आते हैं लास्ट आर्टिकल पे, इस चैप्टर के लास्ट आर्टिकल क्या कहता है, उस लास्ट आर्टिकल पे पहुंचे उससे पहले एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं बेटा। जैसे राइट द रिएक्शन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस ऑफ 2-ethoxy-3-methylpentane स्टार्टिंग फ्रॉम इथेनोल एंड 3-methylpentane-2-ol। इथेनोल और 3-methylpentane-2-ol से शुरू करके आपको विलियमसन सिंथेसिस करनी है। तो विलियमसन सिंथेसिस क्या थी यार, मेरे पास RX प्लस रोना गिव्स ROR, हाँ या ना। तो इसका मतलब तो ये तय हो गया कि मुझे इथेनॉल भी है और हमारे पास मिथाइल पेंटेन टू ओल भी दे रखा है, तो मुझे जो RX लेना है, मुझे RX लेना है छोटे वाला, छोटा लूंगा तो आसानी से रिएक्शन होगी। इसका मतलब CH3CH2OH को अगर मैं SOCl2 से ट्रीट करवा दूंगा तो CH3CH2Cl मिल जाएगा, दैट इज माई RX। और अगर मुझे RONA लेना है तो मैं 3-methylpentane-2-ol लूंगा, 3-methyl, ओके, 3-methylpentane-2-ol, ये आ गया CH3 और ये आ गया OH, ये लूंगा और यहाँ पे मैं फिनोक्साइड आयन जनरेट कर दूंगा, येलो भी कर दी ONA। अब मैं इसकी रिएक्शन इसके साथ करूंगा, ये मेरा RONA हो चुका है और ये मेरा RX है, ये मेरी विलियमसन सिंथेसिस होगी, दिस इज द वे। अच्छा, अगला दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट सेट ऑफ रिएक्टेंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ 1-methoxy-4-nitrobenzene 1-methoxy-4-nitrobenzene। मुझे एक चीज़ पता है कि जो मेरा रिएक्टेंट कार्बोकैटायन बनने वाला है वो मेरा छोटा होना चाहिए क्योंकि SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा, तो ये मेरी ज़्यादा अच्छी जाएगी, ये मेरी इतनी अच्छी नहीं जा सकती है। आगे देखें, अगर ये देखो, ये अभी अभी करके हटे हैं हम, ठीक है। अगर हमारे पास CH3CH2CH2OCH3 है और HBr से ट्रीट करवाओगे तब क्या होगा, तब सिंपल सा कंसेप्ट लगेगा कि जो ज़्यादा वाला है ये अल्कोहल बना लेगा CH3CH2CH2OH और कम वाला क्या बनाएगा CH3Br, ओके 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 ओके। और सेकंड का जो केस है उसमें क्या है, हमारे पास
मिथॉक्सी बेंजीन, एफेनिटोल बोलते हैं इस चीज़ को, मिथॉक्सी बेंजीन, वो HBr से ट्रीट करेगा तो क्या मिलेगा मुझे, एक तो फिनोल मिल जाएगा और क्या मिलेगा C2H5Br मिल जाएगा, राइट। और ये रिएक्शन अभी आएगी तब करेंगे, इस रिएक्शन को दिखा देता हूँ बिखर के। मेरे पास है CH3 की थ्राइस CO और ये C2H5। ध्यान से देखो, 3 डिग्री आ चुका है, 3 डिग्री के पास कौन जाएगा, आयोडीन, और यहाँ कौन आएगा, H। तो C2H5OH मिलेगा और CH3 थ्राइस CI, क्योंकि ये एक्सप्लिसिटली SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करके चला जाता है। अब हमारे पास जो लास्ट आर्टिकल है उस पर बात करते हैं, ताकि ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाए, केवल NCERT एक्सरसाइज बचेगी। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हम डायरेक्टली अटेम्प्ट कर पाएंगे, कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं आपको बता दूंगा कि अटेम्प्ट कैसे करने हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, भाई 10th चैप्टर 11th चैप्टर और 13th चैप्टर मैक्सिमम आपके ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग आते हैं, 12th चैप्टर आपका मेटा डायरेक्टिंग होता है, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। NH2 है, CL है, ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ही होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, हेलोजिनेशन करना है कर दो यार, Br2 के साथ करवाना है, ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे लग जाएगा, ये देखो ये रहा, ये हमने पिछले चैप्टर में भी सीखा था, डायरेक्ट रिएक्शन थी। और आसान कर देते हैं, अगर फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन करना है, फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन, तो फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन में AlCl3 की प्रेजेंस में CH3Cl की रिएक्शन करवाएंगे, राइट। तो अगर हमने करवा दी इसकी रिएक्शन, तो क्या होगा, Cl यहाँ से और ऑर्थो पोजीशन से हाइड्रोजन, HCl- HCl बाहर हो जाएगा और CH3 जुड़ जाएगा। अगर मेरे को एसाइलेशन करवानी तो CH3COCl ले लेता हूँ, CH3COCl ले लूँगा तो COCH3 मिल जाएगा। पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा, हाउ विल यू कन्वर्ट एनिसोल इनटू 2-methoxy एसिटोफिनोन, 2-methoxy एसिटोफिनोन या 4-methoxy एसिटोफिनोन में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, दिस इज द पॉइंट। अगर नाइट्रेशन करनी है तो वो भी काम हो जाएगा, बिल्कुल डिट्टो सेम प्रोसेस रहेगा कि हमें मिक्सचर लेना पड़ेगा H2SO4 का और HNO3 का, जिसको हम बोलते हैं फ्यूमिंग मिक्सचर, और हमको ऑर्थो पोजीशन पर NO2 या पैरा पोजीशन पर NO2 आसानी से मिल जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अगर हम इस NCERT एक्सरसाइज की बात करें, इसकी NCERT एक्सरसाइज की, तो मैं जिन क्वेश्चंस पे टिक कर रहा हूँ आपको क्वेश्चन ट्राई करके देखने, ताकि आपको पता चले कि आप कर सकते हैं या नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। उसके अलावा अगर आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन नंबर 13 अटैम्प्ट करके देख सकते हैं, आप क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20, 21 अटैम्प्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। और आप अगर करना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन नंबर 31 अटैम्प्ट करके देख सकते हैं, 30 अटैम्प्ट करके देख सकते हैं। इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करके और 24 अटैम्प्ट करने से मैक्सिमम ये चैप्टर आपका बहुत आसानी से कवर अप हो जाएगा। सो दिस इज द ऑल बेसिक्स ऑफ एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, हमने इसको सारा सीख लिया है बेटा। दोबारा से वीडियो देखना, कोशिश करना कि इस चैप्टर की वीडियो 2 से 3 बार तुम देख लो। अगर 2 से 3 बार तुम इसकी वीडियो देख गए तो ही आधी से ज़्यादा चीज़ें तुम्हें याद हो जाएंगी। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये कि ये चैप्टर मुश्किल नहीं है, ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा लगता है हमको, पर ये चैप्टर डिफ़िकल्ट नहीं है, ये सीधा सीधा चैप्टर है, फटाफट से पूरा हो जाएगा। सो दिस इज़ योर केमिस्ट्री वाले सर सिंह टाटा, बाय बाय। वही बात, सेम डिस्क्लेमर कि उन बच्चों की मदद ज़रूर करना जिनको ऑर्गेनिक मुश्किल लगती है, उनके पास फॉरवर्ड ज़रूर करना। और ये बात मैं हमेशा इसलिए कहता हूँ बेटा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, आपके भी दोस्त होंगे, जो किसी भी स्कूल में पढ़ रहे होंगे, चाहे किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे होंगे या किसी नॉर्मल से स्कूल में पढ़ रहे होंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं चीज़ों को, तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आर्यंस डिजिटल कंटेंट का, जिसकी मदद से आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को उन बच्चों तक पहुँचा सकते हो। और उससे होगा केवल ये, अच्छा इसमें 28 क्वेश्चन भी ट्राई करके देखना, अच्छा क्वेश्चन है, अभी मैकेनिज्म वगैरह सीखा था हमने। उससे होगा ये बेटा कि जो डर है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो निकल जाएगा। और ये हवा ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। सो अच्छे से पढ़िए, मज़े से पढ़िए, फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, चाहे मेरे पास मैसेज कर दीजिएगा, आपके पास तो नंबर भी है, ठीक है। और इसको कम्प्लीट कीजिएगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर एल्कोहल्स, फिनोल एंड ईथर। थैंक यू।